बिहार में कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर सूबे की नीतीश सरकार लगातार जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। बावजूद इसके कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। ये तस्वीर है राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जहाँ यात्री कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यात्री सोशल डिस्टेंस का पालन तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जहां एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों में इस तरह की लापरवाही उनके लिए परेशानी का सबब न बन जाए। समस्तीपुर जिले के सभी निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक और अभिभावक ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है, जिसमें 18 अप्रैल से कोरोना गाइडलाइन के शर्तों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की गई है। होने के नाते आए हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई की मांग करने आए हैं, क्योंकि स्कूल इस तरह से बंद कर दिया तो गत साल गए हुए साल में भी पढ़ाई बच्चों की पूरी नहीं हो पाई, सिलेबस नहीं पूरा हुआ और इस साल भी पूरा नहीं होगा, तो बच्चे बिल्कुल ही आज के बच्चे कल के फ्यूचर बनेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे बच पाएंगे। हमारी मांग यही है, जैसे शर्तों के साथ मार्केट, सरकारी ऑफिस, दुकान सब खुले हुए हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि स्कूल भी कुछ शर्त लागू कर करके स्कूल भी। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जेडीयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यापारियों को कोरोना का टीका लगवाया गया। इस कार्यक्रम में ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद अशोक वर्मा ने कहा कि एक दिन में कम से कम 100 लोगों को कोरोना का टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला ऐसा प्रकोष्ठ है जिसने व्यापारियों के लिए एक अलग व्यवस्था किया है और इसका पूरा श्रेय हम अपने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी को देते हैं और साथ ही साथ अपने इस बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को भी देते हैं, जिन्होंने पूरे बिहार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक विशेष। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के मामले दोबारा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों का आना भी लगातार जारी है, जिसे लेकर प्रशासन ने दानापुर स्टेशन पर यात्रियों के कोरोना टेस्ट के लिए शिविर लगवाया, जिसमें बाहर से आए यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। बता दें कि बिहार सहित पूरे देश में कोरोना के दूसरे वेव ने पांव पसार दिया है, जिसे लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है। झाझा नगर पंचायत के उदासीन रवैये पर खुदरा विक्रेता संघ ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सैनिटाइजेशन और फॉगिंग करवाने की भी मांग की गई है। बता दें कि इन दिनों झाझा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, फिर भी झाझा नगर पंचायत सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी तरह की व्यवस्था करवाने में असफल साबित हो रही है। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी रामाशीष शरण तिवारी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा।